हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दी जवाहर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जवाहर, इसकी तरफ से 2024 का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। क्लर्क पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। 35 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट इसमें दिया गया है, सिंगल एग्जाम है। काफी समय से अगर आपको जॉब नहीं लगी है, बहुत ही जल्दी जॉब चाहिए और ज्यादा हार्ड पेपर भी नहीं होना, तो चुपचाप से अप्लाई कर दो, इजिली इसको आप क्लियर कर सकते। पूरा नोटिफिकेशन मराठी लैंग्वेज में है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, लास्ट तक जरूर देखना। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियो स्क्रीन शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ऑल ओवर इंडिया के लिए है, लेकिन मेनली महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप अदर स्टेट के हो, दिए हुए नंबर पे कॉल करो, अगर आपको बोलता है कि अलाउड है तो अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। दी जवाहर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जवाहर, जिला पालघर जवाहर में इसका हेड ऑफिस है। तो इसकी तरफ से जूनियर क्लर्क पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, तो 14 सितंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 सितंबर 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है, बाकी एग्जाम डेट वगैरह आपको बाद में पता चल जाएगा। सो इसमें जूनियर क्लर्क पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, टोटल 15 पोस्ट का वैकेंसी है। जॉब लोकेशन जवाहर मेन ब्रांच है, उसके बाद इसकी जो शाखा है, ब्रांचेस है, जवाहर, मनोर, विक्रमगढ़, कुडूस, मुखाड़ा, वाड़ा, और इन फ्यूचर नए ब्रांचेस ओपन होंगे तो वहाँ पे आपका जॉब लोकेशन होगा। तो ये लोकेशन को देख के आपको अप्लाई करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, आपके पास MScIT या तो फिर कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना, CCC अप्लाई कर सकते हो। जो कट ऑफ डेट है वो 14 सितंबर 2024 है। एज लिमिट जो है 22 से 35 साल इसमें दी गई है 14 सितंबर 2024 को, 35 साल से ज्यादा नहीं होना। बाकी ये प्रेफरेंस है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना, ये सारा क्वालिफिकेशन है, प्रेफरेंस मिलेगा। लैंग्वेज का जो नॉलेज है, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, लिखना और बोलना इजिली आना चाहिए इनमें से कोई भी लैंग्वेज। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ, 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। 18 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको जो है 25,000 रुपए के आसपास पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 100 मार्क का होगा, इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये 100 मार्क का जो पेपर होगा इसको कन्वर्ट किया जाएगा 90 में, और 10 मार्क का इंटरव्यू होगा। इसमें आप देख सकते हो मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे, मीडियम इंग्लिश होगा, देन इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एग्जामिनेशन का मीडियम आप देख सकते हो इंग्लिश और मराठी दोनों में मिल जाएगा। पहले 2 सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में रहेंगे, बाकी के 3 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड मराठी में रहेंगे। 120 मिनट का समय मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और बहुत ही इजी पेपर होता है। अगर आपके कोई भी बैंकिंग प्रीलिम नहीं पास हो रहे, ये इजिली पास हो जाओगे। बट हाँ, आपको टॉप 30 में आना होगा सिलेक्शन के लिए, और अगर आप टॉप 15 में आ गए तो आपका डेफिनेटली होगा ही होगा। 10 मार्क का इंटरव्यू होगा, उसमें से 5 मार्क्स आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर होंगे और 5 मार्क्स ओरल इंटरव्यू के बेसिस पे होंगे। एप्लीकेशन फी 1180 रुपए है सभी कैटेगरी के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जो है लिंक दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, ये सारी डिटेल फिल करना है, एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, बैक आने के बाद ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट लॉग इन, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, सबमिट करना है, एंड फी पेमेंट वगैरह जो भी है वो कर देना है, फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। विद इन फ्यू डेज एग्जामिनेशन के बारे में पता चल जाएगा। एग्जाम का सेंटर आई थिंक मुंबई में होगा। ऑल ओवर महाराष्ट्र के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अपने रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मेनली जो काम होगा वो मराठी लैंग्वेज में ही होगा, तो इसलिए मराठी आना जरूरी है। ये छोटा सा अपडेट था, बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।